हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है DMRC दिल्ली मेट्रो का 19 फरवरी 2020 में, उन्हीं क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने तमाम मित्रों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन, नियॉन टेस्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो नियॉन टेस्टर का उपयोग सप्लाई की जांच के लिए किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इंडक्शन मोटर 2 पोल 50 Hz सप्लाई 5% स्लिप सिंक्रोनस गति कितनी होती है। तो इसकी जो गति होती है वो होती है 3000 RPM। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग में सप्लाई वोल्टेज कब मान कितना होता है। घरेलू वायरिंग में सप्लाई वोल्टेज कब मान होता है, 240 V से -250 V। अगला क्वेश्चन देखिए, घरेलू उपयोग में मोटर किसमें प्रयोग किया जाता है। तो घरेलू उपयोग में मोटर इंडक्शन में प्रयोग किया जाता है। इस चैनल पर आपको दिल्ली मेट्रो से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से सारे पेपर की एनालिसिस आपको करवाई जाएगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, चुंबकशीलता की इकाई कोई नहीं, हेनरी प्रति मीटर न्यूटन अपॉन वर्ग एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, परमिटिविटी की इकाई क्या होती है। तो परमिटिविटी ये किसकी इकाई होती है, फराडे प्रति मीटर की इकाई होती है। आठवां क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित मशीन है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित मशीन है ट्रांसफार्मर। नवां क्वेश्चन, सुरक्षा चिन्ह का प्रतीक दिया था। तो सुरक्षा चिन्ह का प्रतीक दिया जाता था तार को हाथ से ना छुए। दसवां क्वेश्चन, उच्च गति एवं उच्च टार्क के लिए मोटर है। तो देखिए, उच्च गति एवं उच्च टार्क के लिए मोटर है AC सीरीज मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मोटर का PF उच्चतम होगा। किस मोटर का PF उच्चतम होगा, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का PF उच्चतम होगा। 12वां क्वेश्चन, की का सिंबल था यह किसका प्रतीक है। की का सिंबल था यह प्रतीक है स्पिनर सेट या रिंग टाइप का। तारों को मोड़ने काटने जोड़ने में प्रयुक्त तो टूल होता है, कौन सा टूल होता है। तो तारों को मोड़ने काटने जोड़ने में प्रयुक्त तो जो टूल होता है वो होता है प्लायर। अगला क्वेश्चन, पी चैनल की तुलना में एन चैनल FET का अधिक उपयोग क्यों होता है। तो देखिए, पी चैनल की तुलना में एन चैनल FET का अधिक उपयोग क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉनिक्स मोबिलिटी करियर के चक्कर के लिए होता है। 15वां क्वेश्चन, सबसे अधिक विश्वसनीय वायरिंग कौन सी होती है। तो सबसे अधिक विश्वसनीय वायरिंग कंसील्ड वायरिंग, डक्ट वायरिंग, अंडरग्राउंड वायरिंग होती है। 16वां क्वेश्चन देखिए, त्वचा का प्रतिरोध क्या होता है। तो त्वचा का प्रतिरोध शुष्क 100 किलो ओम, नमी -1 किलो ओम होती है। डायोड की ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो देखिए डायोड की ब्रेक डाउन वोल्टेज रिवर्स बायस में अधिक वोल्टेज जिस पर डायोड क्षतिग्रस्त हो जाता है। 18वां क्वेश्चन, SCR की ट्रिगरिंग सर्वाधिक की जाती है। तो SCR की ट्रिगरिंग सर्वाधिक की जाती है ग्रेट ट्रिगरिंग से। 19वां क्वेश्चन, DC सीरीज मोटर 5A पर 10 Nm का टॉर्क, 10A धारा पर टॉर्क कितना होता है।
डीसी सीरीज मोटर 5A पर 10 Nm का टॉर्क, 10A धारा टॉर्क होता है 40 Nm। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्टरनेटर की रेटिंग, अल्टरनेटर की रेटिंग होती है KVA। ये किस्मा क्वेश्चन, वेक्टर चित्र दिया था जिसमें करंट लैगिंग, लीडिंग तथा इन फेज की मोटर कौन सी है। वेक्टर चित्र दिया था जिसमें करंट लैगिंग, लीडिंग तथा इन फेज की मोटर होती है सिंक्रोनस मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरएलसी परिपथ में करंट तथा वोल्टेज अपने अंतिम मान पर एक साथ जाते हों। तो देखिए, आरएलसी परिपथ में करंट तथा वोल्टेज अपने अंतिम मान पर एक जाते हों इन फेस में। 23वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मोटर नियत गति की नहीं है। निम्न में से कौन सी मोटर है जो कि नियत गति की नहीं है, वो है इंडक्शन मोटर, और इसकी जो सोर्स होती है स्टेरोसिस प्रतिस्तंभ डीसी शंट। अगला क्वेश्चन देखिए, वेल्डेड केबल पर आवरण होता है, तो वेल्डेड केबल पर आवरण होता है छिद्रयुक्त। 25वां क्वेश्चन, तड़ित चालक लाइन की सुरक्षा, उच्च वोल्टेज पर वायु ब्रेक डाउन होकर तड़ित भू संपर्कित हो जाती है। 26वां क्वेश्चन, सबसे छोटा घरेलू उपकरण है, सबसे छोटा घरेलू उपकरण है विद्युत घड़ी। अगला क्वेश्चन, वाइंडिंग का इंसुलेशन प्रतिरोध होना चाहिए, तो वाइंडिंग का इंसुलेशन प्रतिरोध होना चाहिए 1 MΩ से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेडेड पोल मीटर है, तो शेडेड पोल मीटर है सेल्फ स्टार्टर नहीं है। 29वां क्वेश्चन, लेड एसिड सेल में प्लस प्लेट माइनस से ये कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डीसी मशीन में घर्षण एवं वायु हानियां होती है, तो डीसी मशीन में घर्षण एवं वायु हानियां होती हैं आर्मेचर गति के वर्ग के समानुपाती। 31वां क्वेश्चन देखिए, सेट प्रतिरोध लगाने से पूर्ण विक्षेप 2A से 10A हो जाता है, मीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। तो मीटर का आंतरिक जो प्रतिरोध होगा वो होगा RSH बराबर Rm/n-1। 32वां क्वेश्चन, जिस विभवांतर पर इंसुलेशन समाप्त हो जाता वह है, तो जिस विभवांतर पर इंसुलेशन समाप्त हो जाता है वो है ब्रेक डाउन वोल्टेज। ओके, अगला क्वेश्चन, मीटर का वह प्रकार जो केवल डीसी पर उपयोग किया जा सकता है, मीटर का वह प्रकार जो केवल डीसी पर उपयोग किया जा सकता है वह है PMMC। 34वां क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वाइंडिंग का वह प्रकार जिसमें कॉइल दो या दो से अधिक स्लॉट में हो। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल अभी के वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।